हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने लेसन 5 कर लिया है पहले, आज लेसन नंबर 4 करेंगे। वायु एनसीईआरटी ज्योग्राफी हमारी 7 क्लास की चल रही है, 4 लेसन हमारे हो चुके हैं, आज लेसन नंबर 4 करेंगे। लेकिन ये 5th नंबर पे होगा, 5th वीडियो होगा इस क्लास का। तो आज हम कर लेते हैं वायु के बारे में, और वायु से रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्जाम में पक्का आता है। इसमें मंडल वगैरह होता है, सप्ताप मंडल, आयन मंडल, शोभ मंडल, ये वगैरह होता है इसमें। और अभी रीट में भी ये क्वेश्चन इसी में से आया था कि रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं वो कहाँ से लौट के वापस आती है या वापस परिवर्तित हो जाती है, कुछ ऐसा सा एक क्वेश्चन आया था। एज इट इज़ इसी में से ही आया था वो। तो आप थोड़ा ध्यान से करेंगे इस वीडियो को। पृथ्वी हमारे चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। ये हमारे पहले वाले लेसन में आ चुका है, शुरू में जब हम स्थलमंडल के बारे में बात कर रहे थे, पर्यावरण के बारे में बात कर रहे थे। तो गैसों का जो वायु का एक आवरण है हमारे ऊपर, जो घनी एक चादर लिपटी हुई है, घिरी हुई है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव है वो जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की किरणों को हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की ये चादर ना हो तो हम दिन के समय में सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। और ये वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो वायु ही इस चीज़ को बैलेंस बना करके रखती है। अब बात करेंगे हम वायुमंडल के अंदर होता क्या क्या है। तो वायुमंडल का संगठन, मतलब वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैसें हैं और कितनी मात्रा में हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम बात कर रहे हैं बार बार, वायु की, वायु हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी है, ये ठंड से बचाती है हमें, ये गर्मी से बचाती है, मतलब जो भी बातें हैं, जो भी वायु का रोल है हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कौन सी गैस है वो? वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जो वायुमंडल का एक बहुत बड़ा भाग बन जाता है, जिसे क्योंकि नाइट्रोजन ऑलमोस्ट 78% है और ऑक्सीजन 21% है, बाकी तो सब थोड़ी थोड़ी है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन और ऑर्गन और हाइड्रोजन, ये थोड़ी कम मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद में इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में हम देखेंगे, एक ये वृत्त आरेख दिखाया है, देखो इसमें इसका पूरा संगठन दिखाया है। 78% सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी नाइट्रोजन गैस है, 21% हमारी ऑक्सीजन है, और उसके बाद जो बच गई है वो अन्य गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये क्वेश्चन बहुत हर तीसरे एग्जाम में, हर दूसरे एग्जाम में देखने को मिलता है, कितना परसेंट ओजोन का है, कितना ऑर्गन का है। आजकल क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबको पता है, ऑर्गन और अन्य गैसें इनके बारे में ज़्यादा पूछते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 0.93% ऑर्गन और अन्य सभी 0.04% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये टोटल कितनी हो जाती है, 100% हो जाती है। नाइट्रोजन वायु में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु हैं वो वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। जो ऑक्सीजन है वो वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, मतलब नाइट्रोजन के बाद दूसरा नंबर ऑक्सीजन का है। मनुष्य और पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है वो समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है, वो इसी का ही परिणाम है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है और ऑक्सीजन वापस देते हैं, और मनुष्य और पशु है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पशुओं और मनुष्यों द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे ये संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है, और वो वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन है वो पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित कर देता है। तो इसमें सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे, ऊपर जो ये आया है ग्लोबल वार्मिंग वाला, इसके बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है यहाँ पे, वो वायुमंडल में जब फैल जाती है तो पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा होती है, जो एक गर्माहट होती है, उसको पृथ्वी पर रोक लेती है और ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। जैसे हम कई बार गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, शीशे बंद है तो गाड़ी गर्म हो जाती है, वो इसी का ही परिणाम होती है, ऐसे वो गर्मी रोक लेती है अंदर। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को।
और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो धरती है वो इतनी ठंडी हो जाएगी। तब तक इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ जाता है, इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण ही पृथ्वी के सबसे बड़े ठंडे प्रदेश में जमी हुई जो बर्फ़ है वो पिघलती है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिसे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, और लंबी अवधि में इसके कारण जलवायु में अधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु है वो लुप्त हो सकते हैं। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में कि आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, और ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ठंडी वायु हमेशा गर्म रहेगी, नीचे रहेगी। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु है वो खाली स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है, और इस प्रकार वायु चक्र है वो चलता रहता है। वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित, इसी से क्वेश्चन रीड में अभी आया है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एंड बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल है, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। ये आपको याद रखनी है कि कितने किलोमीटर तक पाई जाती है, ये 13 किलोमीटर तक पाई जाती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, जो हम रहते हैं वो इसी क्षोभ मंडल में सांस लेते हैं वायु से। मौसम की लगभग सभी जो घटनाएं होती है, जैसे बारिश होती है, कोहरा या ओले गिरते हैं, ये इसी परत के अंदर होते हैं। उसके बाद उसका दूसरा पार्ट है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर का भाग है, 13 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो फैला है वो समताप मंडल है, और ये परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसमें ऐसी कोई प्रभाव वाली चीज़ें नहीं होती हैं, और इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ वो हवाई जहाज के उड़ने के लिए आदर्श। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो कौन से मंडल में उड़ते हैं, तो आप समताप मंडल लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वायु का, बारिश का, हवा का, तो ये कम फर्क पड़ता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये कि इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है, और ये परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो गैस होती है उससे हमारी रक्षा करती है। ओजोन गैस की परत पाई जाती है इसके अंदर। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे मध्य मंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत है, समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। मतलब पहले 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल, उसके बाद में दूसरा समताप मंडल 13 से लेकर 50, और 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो फैले वो मध्य मंडल, और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वो इसी परत में आकर के जल जाते हैं। कई बार अंतरिक्ष से उल्कापिंड गिरते हैं लेकिन वो मध्य मंडल में आकर के जल के वहीं ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आता है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से ये लाइन एज इट इज आई है, पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगे कौन सी परत से पुनः परावर्तित कर दी जाती है, ये क्वेश्चन आया, तो ये कौन सी आएगी, आयन मंडल से। ये वायुमंडल के अंदर ही है, और उसके बाद में वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, और ये वायु की सबसे पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो अगर पूछ लिया जाए तो हीलियम और हाइड्रोजन कौन सी परत में मिलती है, तो बहिर्मंडल में। अगर बात की जाए रेडियो तरंगों की, तो आयन मंडल है, ये वायुमंडल का ही भाग है। और मध्य मंडल के अंदर क्या होता है, ये समताप मंडल के जस्ट ऊपर है, और ये 80 मतलब अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आते हैं वो इसमें जल के नष्ट हो जाते हैं, और समताप मंडल में वायुयान वगैरह उड़ते हैं, और क्षोभ मंडल की वायु में हम सांस लेते हैं। तो ये आपको चित्र देखना है, इसको मैं ऐसे करके दिखाती हूँ आपको, ये देखो ऐसे आपको सही समझ आएगा। सबसे पहले नीचे क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर, उसके बाद में ये एक क्षोभ सीमा बनी होती है बीच में, और उसके बाद में है समताप मंडल, ये 50 किलोमीटर तक, इसके बीच में ओजोन परत, और इसमें ये हवाई जहाज उड़ रहे हैं। उसके बाद में ये समताप सीमा बनी होती है, समान ताप की सीमा होती है। उसके बाद में ये मध्य मंडल, और इसमें भी एक मध्य सीमा होती है। कई बार मध्य सीमा के बारे में पूछ लेते हैं, तो बाह्य वायुमंडल और मध्य मंडल के बीच में एक सीमा जो पाई जाती है उसको मध्य सीमा बोलते हैं। और एक क्षोभ सीमा की बात करते हैं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो सीमा पाई जाती है उसको क्षोभ सीमा बोलते हैं। और वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल का पार्ट है ये, यहीं पर आयन मंडल, और यहीं से रेडियो एक्टिव किरणें हैं वो वापस आ जाती हैं। उसके बाद में बहिर्मंडल, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें हैं वो पाई जाती है। उसके बाद में है मौसम और जलवायु। क्या आज वर्षा होगी?
क्या आज दिन साफ हो गया, धूप निकलेगी। कितने ही बार हम क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर है वो एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम किसको कहते हैं और जलवायु किस, जलवायु होती है 30-35 साल का एक हम अनुमान या एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं कि वहाँ का मौसम हमेशा कैसा रहता है, कैसी बारिश होती है। 32 साल के आसपास का जो मौसम रिकॉर्ड रहता है उसको आप जलवायु बोल सकते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है, ठंडी है, कैसी है। लेकिन मौसम होता है जैसे दिन में बारिश होएगी या नहीं होएगी, धूप निकलेगी, गर्मी, मतलब एक दिन का जो तापमान या जो भी टेम्परेचर डाउन होना या टेम्परेचर का ऊपर उठना या बारिश का होना, वो सब चीज़ें मौसम में आती है। जलवायु एक लंबे टाइम पीरियड होता है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है उसको हम मौसम बोलेंगे। आर्द्र और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम है वो उस स्थान की जलवायु बताता है। लंबे समय की जो बात हो रही है, क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2/1 जो भाग है, केवल एक भाग है, वो सूर्य की ऊर्जा के 2/1 भाग ही प्राप्त करती है। उसके बाद में आता है हमारा तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायुमंडल में तापमान, जो डेली हम वेदर देखते हैं, वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु के हमेशा की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु है वो ज़्यादा गर्म होती है। आत्पन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको आत्पन कहते हैं, वो आत्पन कहलाती है। आत्पन क्या होता है? सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया गर्म, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाता है एरिया गर्माहट है वो कम होती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए? यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि हम कुछ फसलें नहीं उग सकेंगे, और गाँव की अपेक्षा नगरों का जो तापमान है वो ज़्यादा होता है। दिन के समय में एसोफोल्ड से बनी जो सड़कें होती है, धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, और रात के समय ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन है गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। और उसके बाद में वायु दाब, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर है वो विपरीत बल लगाता है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है वो वायु दाब कहलाता है। और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने से जब दाब तेजी से गिरने लगता है तो समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, समुद्र वायु दाब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? समुद्र स्तर पर। और ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण है वो किसी स्थान पर उपस्थित वायु के द्वारा प्रभावित होता है, और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ये निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादलयुक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। उसके बाद हम ये देखेंगे बीच में तापमापी क्या होता है, जो तापमान मापता है, थर्मामीटर जिसको आप बोल दें, वायु तापमापी जो वायु को मापता है, वर्षा मापी जो वर्षा को मापता है, और वात दिग्दर्शी है उसको, वो पवन की दिशा को मापता है। उसके बाद में तापमान को मापने की जो मानक इकाई है वो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है तापमान को। इसका आविष्कार एंड्रस सेल्सियस ने किया था और उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा है, एंड्रस सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये सबको पता है, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। कि आप जानते हैं कि चाँद पर वायु नहीं है, चाँद के ऊपर वायु नहीं है और वहाँ पर वायु दाब भी नहीं है, वायु नहीं तो वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पे जाते हैं तो वो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर विपरीत बल लगाने की, क्योंकि हमारा शरीर विपरीत बल लगाते हैं अभी हमने पढ़ा, तो उनकी रक्त शिराएं हैं वो फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं।
क्या आप जानते हैं कि पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहते हैं। उसके बाद में पवनों की बात करते हैं हम, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्थाई पवने, पवने कितने प्रकार के होते हैं, स्थाई पवने, मौसमी पवने, स्थानीय पवने। स्थाई पवने वो होती हैं जो व्यापारिक, जो पश्चिम पवने और पूर्वी पवने हैं वो स्थाई पवने होती हैं। व्यापारिक पश्चिमी पवने और पूर्वी जो पवने होते हैं वो स्थाई पवने, वर्ष भर चलती है वो, लगातार निश्चित दिशा में चलती है, इसलिए उसको स्थाई बोलते हैं, मतलब स्थाई है वो। मौसमी पवने जो मौसम के अनुसार चलती है और अपनी दिशा बदलती रहती है, और स्थानीय पवने जो एक स्थान विशेष में चलती है तो वो होती हैं। तो इसमें देखो, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने वो स्थानीय पवने, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। और उदाहरण के लिए भारत में जैसे मानसूनी पवने हैं, जैसे आजकल मानसूनी पवने चलती है, तो ये मौसमी पवने, मौसम एक विशेष मौसम में आती है। स्थानीय पवने, पवने किसी छोटे क्षेत्र या वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्री समीर के, आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे हम लू कहते हैं, तो लू एक स्थान विशेष में चलती है। तो ये देखो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। सबसे पहले ये हमारी भूमध्य, सात पेटियां हैं, भूमध्य रेखीय निमनदाब, जिसको हम डोलड्रम भी बोलते हैं, ये 0 से 5 डिग्री अक्षांश के आसपास होती है। उसके बाद में इधर उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिणी ध्रुव है। तो सबसे पहले ये देखो, उसके बाद में ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने और इधर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। उपोषण उच्च दाब, जिसको हॉर्स अक्षांश कहते हैं, 30 से 35 डिग्री के बीच में पाया जाता है ये। और इधर उपोषण उच्च दाब हो, ये उत्तरी अक्षांश हो गया, ये दक्षिणी है। इधर सनातन पछुआ पवने और इधर अधो ध्रुवीय भी कह सकते हैं, या उप ध्रुवीय भी आप कह सकते हैं इसको। ये उच्च दाब, ये फिर ध्रुवीय पवने हैं, इधर उच्च दाब और इधर भी उच्च दाब पाया जाता है। ये ध्रुवीय, उत्तरी ध्रुवीय होगी और इधर दक्षिणी ध्रुवीय होगी। तो ये होती है 30 से 35 डिग्री के बीच में, ये होती है 60 से 65 के बीच में, और ये 90 डिग्री के आसपास। तो ये हमारी सात पेटियां हैं, उपोषण उच्च दाब पेटी और उप ध्रुवीय पेटी और उच्च ध्रुवीय पेटी। ध्रुवीय पेटी दो ध्रुव वाली होगी, उप ध्रुवीय होगी और उपोषण उच्च दाब पेटियां होगी, और बीच में ये भूमध्य रेखीय, तीन तीन इधर है और बीच में ये एक है। बाकी ये पवने हैं कैसे चलती है, देखो उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं वो हमेशा चलती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और फिर ये पछुआ पवने कैसे चलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और फिर उप ध्रुवीय जो पवने हैं वो फिर ऐसी फिर चलती है, जैसे व्यापारिक ये भूमध्य रेखा के पास में जो 5 डिग्री के बाद में जो पवने चलती है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक जो पवने चलती है वैसे ही। तो ये दिशा आपको याद रखनी है, इनकी दिशा पूछी जाती है। चक्रवात, प्राकृतिक आवेश, भारत की पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिससे राज्य का बहुत बड़े भाग में तबाही मचाई। अभी पिछले साल भी आया था निसर्ग वगैरह, तो काते आया था, इस साल भी आया था। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा और ज्वारीय प्रोचकर से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों और अन्य छत, मतलब ये जो इससे जो भयानक नुकसान हुआ था उसके बारे में बता रखा है विनाश। लेकिन आगे बात आती है हमारी, ये भी हो गया क्योंकि इसने किस किस चीज़ को नष्ट कर दिया, वो सब चीज़ें हैं इसमें, ये नहीं पूछी जाती है। उसके बाद आती है आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है तो जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, जैसे एक नमी सी बनी, जैसे आजकल का मौसम है तो इसमें नमी बनी रहती है वायु के अंदर, एक जलवाष्प की मात्रा बनी रहती है। तो वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो हम उस दिन को आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, चिपचिपा सा मौसम, इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में बहुत समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। और जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाते हैं, जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। जब वो ऊपर उठेगा जलवाष्प तो वो क्या करता है, संघनित होकर के फिर बारिश होती है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके, तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद एक चिन्ह छोड़ते हैं, आप देखते होंगे आकाश के अंदर, इसमें इंजनों से निकली नमी है वो संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न होने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है, इसलिए वो ऐसा दिखता है हमें।
पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षण है वो वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से प्राप्त होता है और पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं, एक सवनीय वर्षा, एक पर्वतीय वर्षा और एक चक्रवाती वर्षा। सवनीय वर्षा तो सिंपल जो वर्षा होगी हमारी, वायु गर्म होगी ऊपर उठेगी और बारिश कर देगी। पर्वतीय वर्षा जो आर्द्र होगी पर्वतों से टकराती है पर्वतीय वर्षा कहलाती है। और चक्रवाती वर्षा जब ठंडी वायु और इधर से गर्म वायु है तो वो आपस में टकराती है तब चक्रवाती वर्षा होती है। पौधे और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो तो अगर कमी हो तो सूखा पड़ जाता है और ज़्यादा हो तो बाढ़ आ जाती है। इसके विपरीत अगर वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो वर्षण के दूसरे रूप में हम हिम या सहिम वृष्टि या ओला बोल सकते हैं हम। तो एल नीनो और ला नीनो की, जैसे आजकल ला नीनो की स्थिति हो रही है, वर्षा मतलब जरूरत से ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ आई हुई है, तो उसको ला नीनो हम बोल सकते हैं। और जब कमी हो जाती है तो उसको एल नीनो बोलते हैं। उसके बाद में वायुमंडल क्या है ये आपने पढ़ लिया। वायु के आवरण, वायुमंडल का अधिकतर भाग कौन सी गैसों से दो बना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। कौन सी गैस हरित ग्रह प्रभाव पैदा करती, कार्बन डाइऑक्साइड। मौसम किसे कहते हैं, दिन का जो तापमान रहता है हमारा, ठंडा गर्म बारिश जो भी है। वर्षा के तीन प्रकार, चक्रवाती पर्वतीय और सवनीय वर्षा। वायु दाब क्या है, वायु जब गर्म होकर के ऊपर उठती है और वायु जब नीचे रहती है सघन और भारी होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। और वायु दाब क्या है, वायु दाब को मापने के लिए वायु दाब मापी यंत्र। निम्नलिखित कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, ओजोन। ये आया था जो हमारी शोभ सीमा के आसपास है, समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, तो आप बताएंगे ये कौन सी है सबसे महत्वपूर्ण परत जिसमें हम सांस लेते हैं, शोभ मंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है, जिसमें बादल नहीं दिखते, तो समताप मंडल को आप कह सकते हैं, जहाँ पे आपके वायुयान वगैरह उड़ते हैं। वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते तब वायु दब क्या होता है, घटता है ये बढ़ता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको आंसर देना है। ये आया था पीछे, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, तो वर्षा कहते हैं। उसके बाद में व्यापारिक पवनी, लू, मानसून और पवनी, ये क्या होती है ये सब आपको पता है, आपने पढ़ लिया है अभी। और आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में समय क्यों लेते, ये अभी अभी पढ़ा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों के जाने पर आत्मन की मात्रा घटती जाती है, ये भी आपने पढ़ लिया। तो इसमें और मेरा समझाने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। और इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको किसी भी, आप एग्जाम में चले जाइए। तो बाय बाय, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो बिना बोले ही।